चार लाख रुपया डाल के आया हूँ यार, अभी तक सैलरी उधर ही नहीं मिला। तीन दिन महीने से हमको मिला नहीं, पर तुझे अभी कहाँ से मिलेगा जल्दीबाजी में? ये तो बोल रहा है सैलरी आएगा, कहाँ से आने वाला है? इधर आएगा, अभी तीन महीना नहीं है। अरे यार मैंने चार लाख रुपया डाल कर आया हूँ यार, वो भी ब्याज पे पैसा है। मुश्किल नहीं था, करो भाई साहब चार लाख रुपए लगा के आए हैं, चार लाख रुपए वो भी ब्याज पे, और इनकी मुस्कान देखिए, चार लाख का मुस्कान। इस तरीके से YouTube के अंदर जो है वीडियो बनाया जा रहा है, वो भी फेक वीडियो। इस तरह से भी YouTube पे आप जाएंगे, भरमार पड़ी है ऐसी वीडियो के लिए कि इंडियन के साथ में ये गलत हो गया, इंडियन के साथ में ये गलत हो गया, इंडियन के साथ में ये गलत हो गया। 90% इसमें फेक फाक न्यूज रहता है, फेक फाक वीडियो होता है, 10% इसमें सच्चाई होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है कतर जाने के लिए आपको 4 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपका एजेंट अगर सही नहीं भी है तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता है। अगर सही एजेंट आपको मिल जाता है तो आपको जो है 50,000 में, 60,000 में, 70,000 रुपए में आपका काम हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है कि मैं 4 लाख रुपए लगा के जो है कतर आया हूँ, अब बताइए, वो भी ब्याज पे, और ब्याज पे लेने के बाद 3 महीने से उनको सैलरी भी नहीं मिला है, और फिर भी इनकी मुस्कान देखिए कितनी अच्छी मुस्कान है। इस तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं सीधा सिंपल जवाब देता हूं आपको, अगर कभी भी कतर जाना है तो आपको ब्रांडेड ऑफिस से अप्लाई कीजिए, आपको ज्यादा ज्यादा 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक में आपका जो है काम हो जाता है, मेडिकल से लेके और फ्लाइट पकड़ने तक का और वीजा लेने तक का, यह इतने पैसे में आपका पूरा काम हो जाएगा अगर ब्रांडेड ऑफिस से अप्लाई करते हैं तो। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ब्रांडेड ऑफिस से अप्लाई करते हैं तो आपका एक भी पैसा डूबने वाला नहीं है। अगर लोकल ऑफिस अप्लाई करते हैं तो आपको तो पैसा डूबने ही वाला है, क्योंकि मेडिकल में गेम होता है, वीजा में गेम होता है, फ्लाइट पकड़ने में भी गेम होता है। आपको नहीं मालूम है कि फ्लाइट पकड़ने में भी गेम होता है। अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो वीजा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जब फ्लाइट पकड़ने जाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपका पासपोर्ट घर पे आ गया है, ऐसा गेम हो चुका है। ये लखनऊ का कांड है, ये लखनऊ में सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 1 साल पहले, सबसे बड़ा स्कैम। तो इसीलिए हमें अपने चैनल पे हमेशा आप लोगों हमेशा समझाता रहता हूँ कि आप लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका सही रहेगा, कहाँ से आप काम अपना करवाएंगे, कहाँ से पासपोर्ट लगाएंगे तो आपका सही रहेगा। अभी जो है हमारे इंडिया में समझ के चलिए कि 70% जो ऑफिस ऐसी हो गई है कि आपको जो है गलत तरीके से भेजने का काम करती है, पैसा लूटने का काम करती है। पहले क्या था कि आपको जो है डायरेक्ट बोलते थे कि हमको इतना पैसा दीजिए सिक्योरिटी के तौर पे, तब आपका काम करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक भी थोड़ा सा होशियार हो गई, लेकिन फिर भी होशियार होने के साथ में भी उसको जो है उनको जो है चूना लगाया जा रहा है। और चूना कैसे लगाया जाता है ये भी समझ लीजिए, कभी भी अगर कोई वैकेंसी आता है तो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं कि आप हमको पैसे दीजिए, वो सिर्फ आपसे ये बोलते हैं कि आप जैसे ही कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, चाहे सीवी सिलेक्शन हो चाहे क्लाइंट इंटरव्यू हो, अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको बोला जाएगा कि आप मेडिकल करवा लीजिए। आप जैसे ही मेडिकल करवा लेंगे 2-3 महीना आपको झेलाया जाएगा, उसके बाद जो है उसका कहानी खत्म। और मेडिकल में कितना पैसा कमाए हैं ये आपको भी अंदाजा नहीं है।
अगर एक मेडिकल अगर एक वैकेंसी निकालते हैं, अगर मान के चलिए कि मैं नॉर्मल रखता हूँ कि अगर 100 आदमी भी अगर मेडिकल करवाता है तो जान मान के चलिए कि अगर 3000 रुपए भी रखते हैं नॉर्मल मेडिकल में तो 3 लाख रुपए वो कमाते हैं सिर्फ एक दिन में। इस तरीके से गेम होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी और सारी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखा दिखा के समझाता रहता हूँ और हमेशा अपने चैनल पे हमेशा बताता रहता हूँ कि कैसे आपको कतर देश जाना है, कैसे आप कतर के लिए वीजा अप्लाई करें। और मैं बता दूं कि अभी कतर में अभी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ है, अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है, जैसे ही कोई काम आता है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।